नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबों को निर्मल का प्यार भरा नमस्कार। आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार दिल से स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे घूर्णी समरूपता को। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि रेलवे ने 2016 के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिया। तो आप भी अब जो भी रेलवे के NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एक एक क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, बनाकर ही दम लेंगे। तो मैं आज उन्हीं घूर्णी समरूपता को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। तो चलिए एकदम बढ़िया से समझिए कि घूर्णी समरूपता है क्या, घूर्णी समरूपता में कैसे क्वेश्चन देता है, घूर्णी समरूपता को आप कैसे बनाइएगा जिससे आपका एक नंबर आ जाएगा। दोस्तों, बड़ा आसान है ये घूर्णी समरूपता। चलिए घूर्णी समरूपता को समझते हैं। तो देखिए, घूर्णी समरूपता में दो चीज़ होती है, घूर्णी समरूपता दो चीज़ होती है। देखिए क्या होती है भाई। पहला है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, घूर्णन की कोटि। और दूसरा है डिग्री ऑफ सिमेट्री, मतलब घूर्णन की डिग्री, मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा अगर किसी भी वस्तु को घुमाएंगे, रोटेशन कराएंगे। तो पहला है घूर्णी समरूपता। उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है, देखिए कि मान लीजिए कि आप कोई भी शेप का चीज़ ले लीजिए, कोई भी शेप, जैसे आप मोबाइल ले लीजिए, ठीक है। उस मोबाइल को घुमाते रहिए 360 डिग्री तक, मतलब जो आप घुमाना चालू किए कहाँ तक घुमाना है, 360 डिग्री तक। इस घुमाने के क्रम में कितनी बार आपकी मोबाइल की शेप पहले जैसी थी, वही हमारी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, मतलब घूर्णन की कोटि होगी। और किस किस एंगल पर, किस किस एंगल पर आपको समान शेप मिला, वही होगी क्या, घूर्णन की डिग्री। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक रेखा ले लिया इस तरह का, ठीक है। अब इसको क्या क्या यहाँ से 90 डिग्री घुमा दिया। जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसकी आकृति ऐसी हो जाएगी। फिर यहाँ से जब इसको 90 डिग्री हम घुमाएंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। जब फिर यहाँ से इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसकी आकृति ऐसी हो जाएगी। और जब फिर यहाँ से हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जनाब ऐसी हो जाएगी। तो बताइए, ये अब समान शेप में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर थी वैसे ही अभी है, क्लियर है, सेम उधर ही डायरेक्शन में। तो इसकी घूर्णी समरूपता कितना होगी, एक होगी। बात समझ में आई, इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होगी, एक होगी। और दूसरा जो है डिग्री ऑफ सिमेट्री, मतलब घूर्णी कोण, जिसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो घूर्णी कोण, घूर्णी कोण मतलब कितना डिग्री पे शेप मिला है ना। तो इसका एक फार्मूला भी है, मैं लिख देता हूँ। घूर्णी कोण का फार्मूला होता है क्या भाई, 360 डिग्री बटा घूर्णी समरूपता, घूर्णी समरूपता, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो भाई ये क्या है, डिग्री ऑफ सिमेट्री, डिग्री ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, बटा नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जैसे इसकी घूर्णी समरूपता में कितना होगा घूर्णी कोण, तो इसका घूर्णी कोण होगा जनाब 360 डिग्री, और इसका घूर्णी समरूपता एक हुआ है, मतलब इसको भाग देंगे एक से तो कितना डिग्री होगी, 360 डिग्री। बात को समझ गए। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, घूर्णी समरूपता दो प्रकार की होती है, मतलब दो तरह से इसको डिफाइन करते हैं। पहला है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, घूर्णन की कोटि, और दूसरा है डिग्री ऑफ सिमेट्री, मतलब घूर्णन की डिग्री। तो आपने देखा कि इसको जब घुमाते हैं तो एक शेप में फिर एक ही बार मिला, तो इसको बोलते हैं क्या, घूर्णन की कोटि, ठीक है, मतलब घूर्णी समरूपता इसी को बोलते हैं, ठीक है। और घूर्णी कोण किसको बोलते हैं, तो भैया जितनी बार 360 में से ये भाग दे देंगे जितना डिग्री आएगा उसी को बोलते हैं क्या, घूर्णी कोण। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया इस घूर्णी समरूपता को। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी क्वेश्चन आए हैं रेलवे में वो सब मैं आप लोग बीच में एक एक करके लेके आ रहा हूँ। तब तक मेरी वीडियो में बने रहें और इसको जो है आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको
आगे समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, रेलवे ने जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं 2016 के एग्जाम में, मैं एक एक करके आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला है आपका, एक आयत की घूर्णी समरूपता क्या होगी और एक वर्ग की घूर्णी समरूपता क्या होगी। तो चलिए इसको समझते हैं, रटने का प्रयास ना करेंगे। चलिए ये देखिए, ये एक आयत है, ठीक है। अब बोला गया कि इसकी घूर्णी समरूपता क्या होगी, तो आप इसको पहले 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो जैसे ही आप इसको 90 डिग्री घुमाइएगा तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब इसको आप 90 डिग्री घुमाइएगा तो इसका शेप फिर जैसे का तैसे हो जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर जब इसको 90 डिग्री आप घुमाइएगा तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब 90 डिग्री घुमाइएगा तो ये वापस मिल जाएगा। मतलब ये 360 डिग्री के क्रम में आपको दो फिगर ऐसे मिले जो एग्जैक्ट मैच किया। आयत हमने पहला ऐसा लिया था, ठीक है, तो यहाँ से जब घूमे तो यहाँ ये नहीं मैच किया, इसके जैसा वो नहीं है, घूम गया। इसको लिए तो ये दोनों मैच किया, मतलब पहला फिगर यहाँ मैच कर गया। फिर जब इसको 270 डिग्री यहाँ पहुँचे, ये 90 फिर ये 90, जब 270 पहुँचे तो फिर इससे मैच नहीं किया। जब यहाँ से ये यहाँ पर गए, फिर आप जब 90 घुमाएं तो सेम इसी टाइप का साइज शेप मिलेगा, तो यहाँ पर दूसरा फिगर मिल गया। मतलब इस आयत की घूर्णी समरूपता क्या होगी, दो। मैं समझता हूँ दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ समझा पाया हूँ। तो चलिए आयत की हम लोग देख लें, घूर्णी समरूपता क्या होती है, दो होती है। अब अगर पूछ दे आयत का घूर्णी कोण कितना होता है, आयत का घूर्णी कोण कितना डिग्री का होता है, तो अभी हमने बताया घूर्णी कोण जहाँ भी निकालना है क्या करेंगे, 360 डिग्री बटा घूर्णी समरूपता, मतलब इसमें घूर्णी समरूपता कितना आया, दो, तो दो से इसको भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री इसकी घूर्णी कोण है। क्लियर है, ये समझ गए दोनों चीज़ को, घूर्णी समरूपता घूर्णी कोण, दोनों मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये वर्ग है, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता क्या होगी। तो आप बताइए कि मैं एक वर्ग ले लेता हूँ, वर्ग की सभी भुजाएं आपको पता है कि बराबर होती है, ये रहा वर्ग आपका, ठीक है, सबको बराबर मान लीजिएगा, भाई थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ है तो माफ़ कीजिएगा। चलिए यहाँ से जब इसको 90 डिग्री हम घुमाते हैं, 90 डिग्री, तो ये इस तरह का शेप आ जाता है आपके बीच में। फिर जब यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री जब इसको हम मूव कराएंगे तो फिर वैसे ही फिगर मिलेगा, कोई बदलाव नहीं होगा फिगर में। फिर जब यहाँ से 90 डिग्री घुमाएंगे तो फिर ये 90 डिग्री ऐसे ही हो जाएगा। फिर जब यहाँ से 90 डिग्री घुमाएंगे तो यही मिलेगा। तो हम घुमाना यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ जैसे ही घुमाए उसी तरह मिल गया, मतलब एक फिगर ये, फिर यहाँ से घुमाए ये दूसरा फिगर, ये तीसरा, और वापस जब आप यहाँ से घुमा दीजिएगा 360 पे तो फिर वही सेम फिगर आ जाएगा। मतलब चार फिगर ऐसा मिला जो सेम शेप का है। तो इसमें देखिए घूर्णी समरूपता क्या होगी इसकी, तो भैया चार होगी, तो ये चार पे टिक कर दीजिए। अब रही बात घूर्णी कोण की, तो घूर्णी कोण इसका कितना होगा, घूर्णी कोण देखिए अभी हमने कहा कि 360 डिग्री बटे कितना हुआ, चार, चार से भाग दे दीजिए, चार नम 36, मतलब इसका घूर्णी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये दो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से जो आगे आए हैं क्वेश्चन उनको मैं आप लोग बीच में लेकर आता हूँ। ये दोनों तब तक क्या कीजिए, आप समझ लीजिए, अपना कॉपी में नोट कर लीजिए और मेरी वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सब आप लोग बीच में लेकर आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर दो क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया एक ओवल, मतलब एक अंडाकार की घूर्णी समरूपता क्या होगी, ठीक है, एक अंडाकार, ये है अंडाकार, ठीक है, इसकी घूर्णी समरूपता आपसे पूछ दी। तो जनाब इसको जब 90 डिग्री हम घुमाएंगे तो इस तरह का मिलेगा, ठीक है। फिर जब इसको यहाँ से 90 डिग्री आप घुमाइएगा तो ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर जब यहाँ से 90 डिग्री इसको घुमाइएगा तो ये ऐसे मिलेगा, और फिर जब 90 डिग्री यहाँ से घुमाइएगा तो सेम डायरेक्शन, मतलब सेम फिगर मिल जाएगा। मतलब दो फिगर ऐसा है, मतलब वन और टू, मतलब इसकी घूर्णी समरूपता क्या हो गई, दो हो गई, ठीक है। अब इसका घूर्णी कोण बोले तो कितना होगा भाई, घूर्णी कोण, घूर्णी कोण बराबर होगा 360 डिग्री बटे दो, मतलब 180
80 डिग्री, ठीक है। अब चलते एक बोला समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता क्या होती है। एक समांतर चतुर्भुज देख लीजिए, ये है भाई समांतर चतुर्भुज, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इस तरह है, ये एक समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता क्या होगी। तो जब इसको यहाँ पर घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और जब इसको फिर से मूव करेंगे इधर, तो ये सेम डायरेक्शन में आ जाएगी 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री यहाँ घुमा दिए, ये 90 डिग्री यहाँ घुमा दिए। और जब यहाँ से फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री घुमाएंगे तो फिर समान शेप में जाके बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी जो ये फिगर बना, दो फिगर सेम है, दो फिगर क्या है सेम है, तो इसकी घूर्णी समरूपता कितना हो गई दो, इसकी भी घूर्णी समरूपता हो गई दो। तो यहाँ पर घूर्णी कोण कितना होगा जरा बोलिए भाई, घूर्णी कोण कितना हो जाएगा आपका, घूर्णी कोण होगा 360 बटे दो, मतलब क्या 180 डिग्री। तो चलिए हमने चार चीज़ आपको बताया, एक आयत, एक वर्ग, दूसरा अंडाकार और चौथा समांतर चतुर्भुज। इतना समझ लीजिए, फिर यहाँ से आगे मैं आपको क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। चलिए छात्रों यहाँ से फिर आगे वाले दो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चार तक हो गया, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और यह है 6। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता क्या होगी, किसकी, समबाहु त्रिभुज की, है ना। तो ये देखिए हमारी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये ए लिख दिए, ये बी लिख दिए, ये सी लिख दिए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब इसका तीनों भुजा क्या है बराबर है। तो ये जो है ना यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 120 डिग्री, मतलब ये 120 डिग्री अगर इसको घुमाएंगे ना, यहाँ से लेकर अगर 120 डिग्री मूव करेंगे ना, तो सेम समान फिगर आपके सामने मिल कर आएगा, मतलब ये इधर बेस हो जाएगा, जब इसको लाएंगे ये बेस हो जाएगा, ये उलट के ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से जब इसको 120 डिग्री हम मूव कराएंगे तो फिर ये समान शेप में आपका आ जाएगा। बात समझ में आया, मतलब ये कई बार हुआ, 1 2 3, मतलब इसकी घूर्णी समरूपता हो जाएगी कितना, 3। और इसका घूर्णी कोण अगर बोलेगा, घूर्णी कोण बोला गया तो होगा 360 बटे कितना 3, बराबर हो जाएगी 120 डिग्री, ठीक है। और एक बोला कि एक समलंब चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता क्या होगी। समलंब चतुर्भुज आप समझते हैं किसको कहा जाता है, इसका फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यह है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इस समलंब चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता क्या होगी, तो यहाँ से जब इसको हम 90 डिग्री मूव कराएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे तो फिगर हमको मिल के आएगा ऐसे, समझ रहे हैं। जब यहाँ से इसको 90 डिग्री मूव कराएंगे तो फिगर हमको मिलेगा ऐसे, ठीक है। और जब यहाँ से इसको 90 डिग्री मूव कराएंगे, ठीक है, तो फिगर हमको मिल के आएगा ऐसे। बात समझे, थोड़ा छोटा हो गया। और जब यहाँ से इसको मूव कराएंगे तो सेम फिगर आएगा, मतलब ये 90 डिग्री घुमाएं समान नहीं मिला, ये 90 डिग्री घुमाएं समान नहीं मिला, ये 90 डिग्री घुमाएं समान नहीं मिला। यहाँ से जब इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो एक फिगर ऐसा आया जो समान मिला। तो इसका समलंब चतुर्भुज का घूर्णी समरूपता कितनी होती है, 1 होती है। और इसका घूर्णी कोण क्या हो जाएगा, घूर्णी कोण 360 डिग्री बटे 1 बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन आए फिर एक दो क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, ज़्यादा फिगर और है नहीं, एक दो फिगर है। चलिए चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक वृत्त की घूर्णी समरूपता क्या होती है।
तो ये जनाब विपरीत है ना। इसको आप कहीं भी घुमाओगे, जितना डिग्री पे घुमाओगे सेम डायरेक्शन मिलेगा, सेम आकृति मिलेगी। चाहे आप एक ही डिग्री पे घुमा लीजिए, चाहे दो डिग्री पे घुमाइए, चाहे 90 डिग्री पे घुमाइए, कितनों डिग्री पे घुमाइएगा तो इसका जो ब्रीथ है क्या है, सर हर जगह समान मिलेगा। कहीं ये तो गोल होता है ना, हर जगह गोल ही मिलेगा। तो इसका हम लोग टिक क्या करेंगे, एक ब्रीथ की घूर्णी समरूपता अनंत होती है, मतलब बहुत ही होती है। जिधर से आप घुमा लीजिए कोई आंकड़ा नहीं लगेगा। उसके बाद आगे यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो एक पतंग की घूर्णी समरूपता क्या होती है, एग्जाम में पूछ दिया एक पतंग की घूर्णी समरूपता क्या होती है। तो देखिए पतंग है ये भाई, ऐसे शेप में पतंग होती है, ठीक है। ऐसी शेप में होती है, ठीक है। तो जब इसको आप 90 डिग्री घुमा लीजिएगा तो जनाब ऐसे आपकी चित्र हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगा। फिर जब इसको 90 डिग्री घुमा लीजिएगा आप तो कैसे हो जाएगा, बोलिए कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर जब 90 डिग्री यहाँ से घुमा लीजिएगा तो ये पतंग आपकी ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। फिर जब 90 डिग्री यहाँ से घुमा लीजिएगा, जब यहाँ से 90 डिग्री घुमाइएगा तो सेम शेप मिल जाएगा, मतलब इसकी घूर्णी समरूपता क्या हो गई, एक, ठीक है। इसका घूर्णी कोण कितना होगा, जब एक है तो 360 में एक को भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 360 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे किसको, तो देखेंगे जनाब रेगुलर पॉलीगॉन को, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, सम बहुभुज को देखते हैं। चलिए तब तक यहाँ तक आप उतार लें, फिर वहाँ से आगे देखते हैं। चलिए आप देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन को, इसकी घूर्णी समरूपता क्या होती है, मतलब सम बहुभुज को। तो देखिए सम बहुभुज जो होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसकी भुजा देखिए, मान लीजिए भुजा की संख्या बराबर है, n बराबर 5 ले लीजिए, 6 ले सकते हैं, 7 8 9 10 11 कितनी भी ले लीजिए, तो इसकी घूर्णी समरूपता जनाब होती है n, मतलब भुजाओं की संख्या जितनी होगी घूर्णी समरूपता उतनी ही होगी। जैसे हम एक समषटभुज ले लेते हैं, समषटभुज ले लेते हैं आपके सामने, समषटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती है, ये हो गई, ठीक है। ये सब बराबर है इसका, है ना। तो इसका घूर्णी समरूपता मतलब जितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होगी, घूर्णी समरूपता कितनी हो जाएगी, तो जनाब 6 हो जाएगी। अगर इसका चाहेंगे कि घूर्णी कोण कितना होगा, घूर्णी अगर कोण पूछ दे आपसे घूर्णी कोण, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे 6 यानी 60 डिग्री होगी। तो दोस्तों आपने घूर्णी समरूपता को बहुत ही प्यार से समझ लिया। अब इसके जितने भी क्वेश्चन घूर्णी समरूपता से पूछ रहे हैं आप जरा बना के देखिए, एक भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस होता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। घूर्णी समरूपता के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने सारे को ले लिया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को लीजिए और तुरंत धाएँ धाएँ बना लीजिए, तुरंत सारे आपके आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं अगला वीडियो में देखूँगा क्या कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ये तो घूर्णी समरूपता पढ़ लिए, अब रैखिक समरूपता क्या होगी, जब दोनों पढ़ लीजिएगा तो पूरा पूरी परिपूर्ण हो जाइएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए, ठीक है। अगर एक आप शिक्षित होते हैं तो अगला 10 को शिक्षित करने का कोशिश कीजिए, ताकि हमारा समाज, हमारे आजू बाजू लोग बढ़ सकें, सभी को नौकरी मिल जाए, सभी लोग खुशहाल रहें, कहीं ना कहीं सब इंगेज रहे। चलिए मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर से चलते चलते मैं एक बात कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।